हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर थ्री नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी अब नाखून क्यों बढ़ते है? ये तो आप बोलोगे कल नाखून क्यों बढ़ते नाखून है तो बढ़ेंगे राइट ऐसे में होगा नाखून ने शरीर का एक भाग है तो उसको बढ़ना ही है तो बढ़ेंगे समझ में ना लेकिन यहाँ पे हजर प्रसाद जी ने इसे कुछ अलग ढंग से देखा है अपने उनके नज़र से हम लोग देखते हैं कि नाखून हमारे आखिर बढ़ते क्यों है एक वैचारिक निबंध है ये ओके सोचने पर मजबूर करने वाला वैचारिक निबंध इसमें आचार्य हजारे प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है पशुता मतलब जानवर जानवर के लिए हम लोग होते हैं ना कि हमारे अंदर जैसे जानवर थे मतलब कुछ बुरा बुरा करते हम लोग ओके अमानवीय जो मानव को या फिर इंसान को शोभा नहीं था ऐसा पशुता का चिन्ह माना है नाखून पशुता बुरायों का प्रतीक है आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं ठीक उसी तरह किसी में भी बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए क्या बताए कि नाखून जो होता है वो नाखून बढ़ते तो हम लोग कहते हैं टीचर्स बोले नाखून काटने के लिए कहते हैं अब इसके लिए कहते हैं कि टीचर्स कहते हैं कि जैसे डॉक्टर से नाखून काटने चाहिए क्योंकि उसमें गंदगी जमा होती है राइट गंदगी जमा होगी फिर वही हमारे पेट में जाएंगे अक्सर गर्ल्स होते हैं ना गर्ल्स लड़कियों के नाखून देखो बहुत लंबे लंबे नाखून लोग बढ़ाते हैं स्टाइल मारते तो ये नाखून जो है नाखून पशुता का चिन्ह माना गया है उसने कहा कि ये क्या पशुता है क्योंकि नाखून किसके बड़े होते हैं जानवरों के जानवरों को भी जानवरों को कभी तुमने नाखून काटते हुए देखा है क्या नहीं ओके तो जानवरों के नाखून बड़े होते तुम जानवर हो क्या ओके तो मनुष्य हो ना तो मनुष्य के नाखून कैसे हो कटे होने चाहिए जैसे या फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि उसमें गंदगी होती है तो आखिर गंदगी जमा होती ना उसमें तो नाखून काटने से क्या होता है गंदगी जमा नहीं होती उसी तरह से उन्होंने कहा कि नाखून मतलब क्या है कि पशुता है तो जैसे हमारे नाखून बड़े होते हैं नाखून बड़े होने के बाद उसको हम लोग काटते हैं वैसे ही लेखक ने कहा कि हमारे अगर पशुता आ जाती है मतलब बुरे ख्याल बुरे विचार या फिर अगर हम लोग बुरे रास्ते पर चल रहे तो उसको हम लोगों ने क्या करना चाहिए त्याग देना चाहिए मतलब तो छोड़ देना चाहिए उसको क्योंकि बुरे का नतीजा आखिर क्या होता है बुरा ही होता है अच्छा करोगे तो अच्छा होगा बुरा करोगे तो बुरा ही होगा ओके लेट स्टार्ट देखते हैं हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा छोटे बच्चों के क्वेश्चन ना बहुत डेंजर होते <coughs> उनके मैं तो बोलता उनके किसी भी क्वेश्चन का आंसर मत दो इग्नोर करो कभी कभी उन लोग ना ये ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है तू बोलोगे ऐसे तो फिर ऐसे क्यों नहीं ऐसे भी तो हो सकता है जो साइंटिस्ट है ना साइंटिस्ट साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते वैसे क्वेश्चन ये छोटे बच्चों के दिमाग में आते तो इसीलिए लेखक ने कहा कि बच्चे जो होते कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले मतलब हम लोग सोचते ना यार इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था समझ में ना फिर उसका आंसर हमें ढूंढना पड़ता है इसीलिए घर में छोटे बच्चे तो हम लोग को हर तरीके से क्या होना चाहिए ना तैयार रहना चाहिए कि इनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इनको आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है अल्पज्ञ अल्पज्ञ मतलब क्या जिसका नॉलेज जिसको कम नॉलेज है तो उन बच्चों के सामने पिताजी जो होते हैं पिताजी क्या होते हैं सॉरी अल्पज्ञ होते हैं मतलब पिताजी का ज्ञान क्या होता है कम पड़ जाता है नॉलेज कम पड़ जाता है क्योंकि वो आंसर नहीं दे पाते तो उस समय पिता जो होता है वो दयनीय है दयनीय मतलब जिसके ऊपर दया करे ऐसा जीव होता है कि उसको ना वो बेचारा बोलता ना कि पप्पा हो के पपा को नहीं आता है ओके okay? पिता हो पिता को पता नहीं तो बेटे को क्या बताएगा ऐसे हालत उसकी हो जाती है मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच में सोच नहीं सका देखो लेखक जो है अभी हर कोई पिता जो है हर कोई पिता साइंटिस्ट होता नहीं है Okay, उसने बायो तो पढ़ा है लेकिन नाखून क्यों बढ़ते आज तक तुमने अभी तुम्हें एट स्टैंड में हो कभी तुमने सेवन्थ या सिक्स में तुमने कभी ये क्वेश्चन देखा है या कभी तुम्हारे साइंस की बुक में ये लिखा है पढ़ा है तुमने नाखून क्यों बढ़ते समझ में ना तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये लड़की है इस लड़की ने पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते तो लेखक सोच में ही पड़ गया वो कुछ बोल नहीं सका हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति छूटने ही छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं आखिर ये इतने बेहया क्यों है ओके okay, क्या कहे देखो नाखून जो है नाखून हर दिन के बाद तुम नाखून काटने के बाद तीन दिन के बाद देखोगे तो तीन दिन के बाद वापस में नाखून बढ़ते हुए नजर आएंगे ओके okay, हर तीसरे नाखून बढ़ जाते हैं तुम उसको काट दो ओके okay, काटने पर कुछ बोलते क्या चिल्लाते क्या नहीं जैसे उंगली काटोगे तो उसमें से खून आता है नाखून काटने पर खून आता है क्या नहीं आता मतलब उनको जो भी हम लोग दंड देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन निर्लज अपराधी की भांति निर्लज मतलब पता है ना निर्लज मतलब इसको शर्म ही नहीं है तो उसको कितना भी डांटो कितना भी कुछ करो वो अपनी जो आदतें है, आदतें है कभी छोड़ता नहीं है तो जैसे कोई निर्लज अपराधी की बात है निर्लज अपराधी मतलब जिसको कोई शर्म नहीं होती कितनी बार भी उसको दंड दो अपनी बोलते ना अपने इससे कभी बाज आता नहीं अपने आदत से कभी बाज आता नहीं तो ऐसे अपराधी की तरह तो वापस जैसे छूटते ना कुछ अपराधी होते जैसे छूटते तो वापस उन लोग अपनी हरकतों पर आ जाते हैं राइट वैसे नाखून काटने के बाद वापस क्या होते बढ़कर आते आखिर ये इतने बेहया बेहया मतलब बेशरम तो इतने बेशरम ये नाखून क्यों होते हैं? अब कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था वनमानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे देखो कुछ साल पहले की मतलब कुछ लाख कुछ लाख वर्षों की पहले की बात है जब इंसान जंगली था जंगली मतलब आज का जो मॉडर्न युग है मॉडर्न युग जैसा इंसान नहीं था जैसे आज हम लोग कपड़े पहनते स्टाइल के वगैरह वैसे वो कपड़े भी नहीं पहनते थे मतलब जंगली जानवर जो थे उसके जैसे उसकी हालत थी वन मानुष जिसे हम लोग कहते थे वन मानुष मतलब जंगल में रहने वाला जिसका प्रोग्रेस नहीं हुआ जिसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है ऐसा इसको हम लोग कहते थे वन मानस उसे नाखून की जरूरत थी उस समय क्योंकि उस समय उसको चोरी वगैरह सब नहीं थे तो कुछ काटना है कुछ तोड़ना है तो नाखून से वो काम लेता था उसकी जीवन रक्षा करने के लिए नाखून बहुत जरूरी थे असल में वही उसके शस्त्र अस्त्र थे अस्त्र शस्त्र मतलब उसके वेपन्स थे ये सब नाखून थे दाँत भी थे पर नाखून के बाद ही उसका स्थान आता था दाँत इसे कुछ तोड़ना है देखो हम लोग नाखून से ट्राई करते नाखून से नहीं हम लोग दाँत से ट्राई करते दात से नहीं टूटा फिर हम लोग क्या करते वेपन्स उठाते राइट तो दाँत है लेकिन दाँत कब काम में आते जब नाखून से बात नहीं बनती तो दाँत काम आते मतलब फर्स्ट क्या है नाखून थे ओके धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा अंग से बाहर मतलब पहले तो नाखून है ये सब है ना हाथ वगैरह इसी का सहारा लेता था बाद में उसने क्या किया जो उसके बॉडी के पार्ट नहीं है उसका उसने सहारा लेना शुरू किया उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए बोन्स थे बोन्स को काट के उसको शेप दे के उसने क्या किया उसको धार बना के उसने उसके हथियार बनाने शुरू किए मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा उसने धातु के हथियार बनाए फिर जैसे अश्मयुग था पहले अश्मयुग मतलब पत्थरों का युग था फिर पत्थर के पत्थर के बाद फिर मेटल का ये हुआ तो मेटल के उन्होंने क्या के वेपन्स बनाना शुरू किया इतिहास आगे बढ़ा कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न ना काटने पर डांटता है फिर इंसान आगे बढ़ते ये हिस्ट्री जो हिस्ट्री आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई इंसान के अंदर डेवलपमेंट होता गया ये जो मनुष्य था मनुष्य के अंदर डेवलपमेंट होते गए होते गए और लेखक कहता कि कभी कभी लेखक भी हैरान होता है कि नाखून काटने पर आज इंसान जो है मतलब नाखून एक ज़माने में मनुष्य की ज़रूरत थी तो आज हम लोग अपने बच्चों को डांटते क्यों समझ में ऐसे क्वेश्चन उसके मन में आता है वे रोज़ बढ़ते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता हो सकता है कि जो काम पहले वो नाखून से करता था अब वो उसके दूसरे जो वेपन से उससे उसका काम होता है इसलिए नाखून नहीं चाहिए समझ में ना जैसे हमारे इंडिया में अक्सर ना ज़रूरत की चीज़ जब तक ज़रूरत है तब तक उसको हम लोग क्या करते हैं संभाल के रखते हैं ज़रूरत ख़त्म हुई तो उसको फेंक देते हैं जैसे कि मराठी में कहावत है गरज सरो वैद्य मरो मतलब क्या मेरी ज़रूरत मैं ठीक हो गया ना अभी वो डॉक्टर अब जो वैध है वो मरेगा तो भी चलेगा क्यों क्योंकि मेरा काम बन गया है समझ में तो वही वृत्ति इंसान के अंदर शायद आय सा हो सकता है आई होगी और इसलिए उसने अपने नाखून जो है नाखून को अभी बड़ा रहे फिर नाखून को पालना उसने क्या किया है बंद कर दिया है नाखून को नहीं चाहता उसकी भयंकर पार्श्वृत्ति के जीवन का प्रतीक है अब ये क्या मतलब है पाशवी वृत्ति मतलब जानवर रुत्ति जानवर के स्वभाव की जीवंत प्रतीक है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती मनुष्य की पशुता कभी कभी होते ना कि बोलते ना कि कुछ लोग होते तो उनकी आदत तो, तो बुरी आदत है उनको कितना भी अच्छा बनने की है, उनको कितना भी समझाओ अच्छा बनने की कोशिश करो वो कभी सुधरते नहीं है अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते अगर आदमी अपने शरीर की मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत ही सहायता मिले देखो अगर इंसान अपने शरीर, अपने मन की और वाक की, अपने विचारों की अनायास घटने वाले मतलब अचानक से या फिर कारण जो अनायास मतलब के कारण बिना मतलब के बिना मतलब के घटने वाली जो वृत्तियां है जो आदतें है उसके बारे में अगर विचार करे उसके बारे में अगर सोचता है तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता है वास्तविक मतलब रियालिटी रियालिटी मेरी प्रवृत्ति क्या है ओके okay, मेरी आदत क्या है वो पहचानने में उसको सहायता मिल सकती है मनुष्य की नक बढ़ा देने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है मतलब जो नाखून बढ़ाते हैं क्या कहा यहाँ पे नाखून बढ़ाने की नख बढ़ा लेने की सहजता मतलब नाखून बढ़ाने की जो हमारी वृत्ति है ये वृत्ति हमारे अंदर का जो पशुत्व है मतलब हम लोग कितने जानवर है उसका प्रमाण देते हैं अब जिन्होंने नाखून बढ़ाया वो अपने नाखून को देखो मत राइट right? समझ में आए ना तो क्या होता है मतलब तुम्हारे नाखून क्यों बढ़ाते हो क्योंकि तुम वापस वही वनमानस बनना चाहते हो जो नाखून का सहारा लेता था मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी पशुता है फिर पशु तुम्हारे अंदर कितनी पशुता है वो तुम्हारे नाखून कितने बड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी पशुता है उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है जो अपने नाखून टाइम टू टाइम काटता है उसको बढ़ने नहीं देता वो इंसान वो इंसानियत की निशानी है वो इंसान है ऐसे हम लोग कहते थे जो नाखून काटते नहीं जो नाखून बढ़ाते हैं वो क्या है पशु है अब सोचो किसने किसने नाखून बढ़ाए हैं समझ में मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है लेखक के मन में एक ख्याल आता है अपने आप अप से क्वेश्चन पूछता है उसका मन कि इंसान किस ओर बढ़ रहा है मनुष्यता या जानवरता पशुता पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर ओके okay? मतलब हमें वेपन्स चाहिए या वेपन्स को हम लोग कम कर रहे हैं हमारी वृत्ति कहाँ पे जा रही है सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे और सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ने के बाद उसने लोगों को उपयोग लोगों लोगों की उपयोग में ऐसे काम किए थे लोगों के हित के लिए काम किए थे और उसके बाद वो तो सम्राट बन गया कलिंग की लड़ाई के पहले उसे किसी ने सम्राट नहीं कहा था उसने जितने कलिंग की लड़ाई तक उसने जितने लोगों को मारा था कलिंग की लड़ाई के बाद उसने लोगों को उसने जीवन दान दिया उससे कई गुना ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए लोगों के हित के लिए उसने कार्य किए तब जाके उसको सम्राट की पदवी मिली डिग्री मिली सम्राट मतलब जो राजाओं का भी राजा होता है समझ में ना तो इस तरह से मतलब अस्त्र बढ़ाने चाहिए घटाने चाहिए हम लोग कहाँ बढ़ रहे अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहे या बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से प्रश्न किया है निर्बोध निर्बोध मतलब क्या होता है कि जो मासूम होती है जो दुनियादार से दूर तो उसकी जो निर्बोध निष्पाप जो लड़की है उस लड़की ने मानो इंसान जाति से प्रश्न किया है जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हो यह हमारी पशुता के अवशेष है फिर उसने पूछा ना कि तुम्हारे नाखून क्यों बढ़ते क्यों बढ़ाते हो तो यह क्या है हमारी पशुता हमारे जानवर हमारी बुराई का क्या है एक अवशेष अवशेष मतलब कि हिस्सा है ओके okay. मैं भी पूछता हूँ जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं आज जो हम लोग ना हमारी पावर इतनी है हमारे पास इतने अस्त्र है हमारे पास इतने शस्त्र है हर एक कंट्री जो बोलते ना कि अपनी जो पावर है वो पावर को बढ़ाने में लगाए <coughs> तो क्यों ऐसा ये हमारी पशुता की निशानी है स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए स्वराज जा, आजादी मिलने के बाद स्वतंत्रता के स्वतंत्रता मिलने के बाद <coughs> ही मतलब ये तो होना ही है ओके okay? स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक हमारे जो लीडर्स है हमारे जो विचार, विचारशील नागरिक विचारशील नागरिक मतलब जो हमारे देश के बारे में सोचते वो जो नागरिक है सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए क्या लोगों को सब देकर या जो दुश्मन ने दुश्मन को हरा कर या दुश्मन को मार के इस देश को सुखी किया जा सकता है हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है क्योंकि अपने आप अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारे संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है क्या कहें हमारी परंपरा महिमा मई मतलब बहुत ही महान है हमारी परंपरा क्या है महान है उसकी महानता हम लोग गाते हैं और संस्कार जो है वो भी उज्ज्वल है संस्कार भी हमारे ऊपर जो संस्कार होते वो संस्कार भी महान है क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हम खुद ही अपने ऊपर बंधन लगा लेते हैं समझ में ना अब जैसे कि बीमारी आई है ना कोविड नाइन्टीन की बीमारी तो उसके ऊपर क्या ना उसके ऊपर कोई भी दवायाँ नहीं मिल रही है कहीं तो डब्ल्यू ने क्या कहा है कि खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो अगर तुम सही सलामत हो तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो भी सही सलामत रहेंगे अगर तुम अपनी देखभाल नहीं करोगे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दूसरों को भी नहीं कर सकते तो इससे लड़ने का एक ही आसान तरीका है कि अपने आप को संभालना है राइट तो यही अपने आप के ऊपर जो हम लोगों ने कुछ बंधन लगाए खुद ही इंसान ने अपने ऊपर जो बंधन लगाए वही हमारे क्या है संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि हमारा जो कल्चर है हमारी संस्कृति है कि जिसमें मतलब कि इंसान ने अपने आप ही कुछ बंधन अपने ऊपर लगाए रखे है मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है इंसान और जानवर में भिन्नता क्या है दोनों में अलग ऐसा क्या है उसमें संयम है दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना इंसान के अंदर क्या संयम है हम धैर्य रखते हैं हमारे अंदर बोलते हैं पैशन से है, हमारे अंदर सुख दुख के प्रति संवेदना है, है किसी कोई दुखी होता है तो उसको हम लोग कंड्रोल्स करते हैं कोई सुखी है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसके साथ हम लोग हम लोग भी उसके कहते हैं सेलिब्रेशन करते हैं ओके सुख सुख हम लोग बांटते हैं हमारे अंदर श्रद्धा है तप है त्याग है भगवान के प्रति भक्ति है श्रद्धा है तप है तपस्या है हम लोग ये कहते हैं मतलब तो नमन करते हैं भगवान का के इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता झगड़ा करना मारपीट करना ये हमारे आदर्श नहीं है ये हमारे आइडियल्स नहीं, नहीं हो सकते गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता अव्यवहिक को बुरा समझता है क्या कहे गुस्से में कभी कभी क्या होता ना कि पानी बोलते ना पानी सर से ऊपर मतलब हमारे पेशे को तो ख़त्म हो जाते हैं एक हद तक हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो जो कंट्रोल टूटने के बाद मतलब ज़्यादा गुस्सा होते है और गुस्से में आकर हम लोग क्या करते हैं चढ़ दौड़ने मतलब मारने को दौड़ते हैं ये अविव्य को बुरा समझता है अव्यवह की मतलब तो सोचता समझता नहीं है वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है वचन प्रॉमिस जो तुमने किया है तुम्हारा मन या फिर शरीर से किए गए असत्याचरण असत्याचर मतलब झूठ तुम्हारा जो झूठा आचरण है वो क्या है गलत मानता है ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा ऐसा कोई दिन आ सकता है क्या तुम ही सोचो कि अभी ऐसे कभी हो सकता है क्या कि इंसान जो है इंसान के नाखून बढ़ेंगे ही नहीं हो सकता है नहीं जब तक वो जिंदा है तब तक तो उसके नाखून कहते हैं बचपन से रहकर मरने तक नाखून उसके बढ़ते ही रहते हैं मतलब क्या कि उसके अंदर पशुता आती ही रहती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी पशुता को कहते हैं समय पे ही काट देते हैं प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ झड़ गई थी हो सकता है कि हमें पहले बंदर की तरह पूछ थी जैसे वो कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे ओके तो इस तरह से जो पूछ थी कुछ सालों बाद जो पूछ थी इंसान को वो भी झड़ गई क्योंकि वो अनावश्यक थी ना उस समय कुछ समय पहले कुछ लाखों साल पहले उस पूछ की हमें जरूरत थी लेकिन क्या हुआ फिर पूछ की जरूरत नहीं पड़ी तो उसका क्या हो गया वो झड़ गई वैसे ही हो सकता है कि नाखून की अगर हमें जरूरत नहीं है तो नाखून भी हमारे झड़ जाएंगे उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा मरणास्त्र मतलब क्या है ऐसे अस्त्र जिससे मृत्यु ही होती है ऐसे जो अस्त्र है उस अस्त्रों का भी वो प्रयोग बंद कर देगा नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है हमारे जो नाखून बढ़ते हैं वो नाखून क्या होता है कि हमारे अंदर जो पशुता है ओके okay? हमारी जो बुराइयाँ है उस बुराइयों की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है अपना आदर्श है उसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है तुम्हारे अंदर जो पशुता है उस पशुता को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है समझ में ना मुझे जानवर बनना है कि इंसान रहना है ये मुझे डिसाइड करना है मनुष्य में जो घृणा है मनुष्य में जो घृणा है अनासा या बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है देखो इंसान के अंदर घृणा मतलब नफरत नफरत जो है नफरत है किसी को सिखानी नहीं पड़ती अच्छा बनो बच्चों को बोलना पड़ता है बुरा बनो उसको बोलना नहीं पड़ता समझ में अगर गंदे रास्ते पर चल बुरे रास्ते पर चल रहा है तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि बाबा इस बुराई को अपना तो ले अपना अपना लेते लेकिन तो अच्छा जैसे तो करके बोल

क्या तो तो सो मनुष्य में जो घृणा है वो अनायस बिना सिखाए आ जाती है नफ़रत बुरा ये जो है घृणा मतलब क्या बुराया ओके नफ़रत ये जो है अनायस अनायस मतलब क्या अपने आप बिना सोचे बिना समझे अनायस बिना सिखाए आ जाती है बच्चों को बुरा या सिखानी नहीं पड़ती अच्छा या सिखानी पड़ती है समझ में ना कभी कभी इतना कि बुराई ना बुरा या बच्चों के अंदर अपने आप आ जाए इंसान के अंदर अपने आप आ जाती है ओके लेकिन अच्छा या आने के लिए थोड़ा समय लेते हैं उसको सिखाना पड़ता है आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है पशुत्व का द्योतक मतलब सपोर्टर है ओके okay? शुरुआत है वो सो so, इस तरह से जैसे तुम लोग ना कि देखो बच्चों को तो टाइम पास मोबाइल पे गेम खेलने हैं या फिर पबजी खेलना है तो उसके लिए पबजी खेलना है मोबाइल पे मोबाइल पे गेम खेलना है तो इसके लिए बच्चों को बोलना नहीं पड़ता वो अपने आप अप मोबाइल उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं उसको रखने के लिए बोलना पड़ता है बस हो गया भी रख दे समझ में ना पढ़ाई करने के लिए बच्चे कभी अपने आप से पढ़ाई करते बुक उठाया और शुरू हो गए नहीं वो पीछे पढ़ना पड़ता है पेरेंट्स को पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर समझ में ना तो ये जो घृणा है जो बुरायाँ है इंसान के अंदर अपने आप आ जाती है उसको सिखर नहीं पड़ती और ये शुरुआत है ये क्या है पशु का द्योतक द्योतक मतलब क्या इसका सपोर्टर है ये निशानी है उसकी कल अपने को संयत रखना अपने आप को कंट्रोल में रखना अपने आप को संयम रखना दूसरों के मनोभावों का आदर करना दूसरों के फीलिंग्स को समझना इंसान का स्वधर्म है अपना खुद का धर्म है समझना कि नहीं समझना उसके ऊपर डिपेंड है राइट बच्चे यह जाने तो अच्छा ही हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु मनुष्य की महिमा को सूचित करती है अभ्यास अभ्यास मतलब क्या प्रैक्टिस ओके प्रैक्टिस करने से और तप से तब मतलब साधना मतलब आ, मेहनत करने से ओके अभ्यास और मेहनत से प्राप्त जो भी चीज़ें तुम्हें मिलती है तुम बहुत पढ़ाई करते हो बहुत पढ़ाई करने के बाद अच्छे नंबर्स लाने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ला कर देते तो यही तुम्हारी महिमा को सूचित करते कि तुम कितने महान हो समझ में आए ना मतलब कुछ अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है थोड़ा सैक्रीफाइस थोड़ा त्याग हमें करना ही पड़ता है दो चार सीरियल कम देखो पढ़ाई करो अच्छे नंबर्स लेके आओ तो उससे तुम कितने महान हो ये साबित हो जाएगा ओके मनुष्य की चरितार्थता चरितार्थ मतलब क्या कैरेक्टर चरितार्थ मतलब क्या तुम्हारा कैरेक्टर कैरेक्टर क्या है तुम्हारा प्रेम में है प्रेम मतलब क्या वो गार्डन वाला प्रेम नहीं समझ में ना वो वाला वैलेंटाइन डे वाला प्रेम नहीं ओके सो इस तरह से चरितार्थ जो है वो प्रेम में है किसी को मतलब ना अपनापन किसी के प्रति अपनापन किसी के प्रति तुम्हारे मन में दया हो वही प्रेम होता है त्याग में है सैक्रिफाइस अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में मतलब किसी और का खुद की भलाई तो हर कोई इंसान चाहता है लेकिन मेरी भलाई के साथ साथ किसी और की भी भलाई होनी चाहिए और मैंने एक लेसन पढ़ा था संस्कृति और सभ्यता संस्कृति और सभ्यता क्या है मन में जो विचार आता है ओके उसके ऊपर अमल करना और उसे उसको रिसर्च उसको सर्च करके उसके ऊपर कुछ ढूंढना कुछ बनाना ये संस्कृति है सभ्यता क्या है कि उसका उपयोग मुझे हो रहा है तो मेरे साथ और लोगों को भी उसका उपयोग होना चाहिए यह सभ्यता है जैसे मैंने किसी चीज को इन्वेंट किया राइट तो उसका फायदा सिर्फ मैंने नहीं लेना चाहिए तो इसका फायदा सबको होना चाहिए यह सभ्यता कहा कही जाती है तो इसीलिए लेखक ने भी वही कहा कि अपने को सबसे मंगल के लिए निशेष भाव देना यह क्या है चरितार्थता है इससे तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारा तुम्हारे अंदर जो सभ्यता है वो सभ्यता को दिखाती है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सह सहजात वृत्ति का परिमाण है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है देखो क्या कहे मनुष्य की नाखूनों को बढ़ना मतलब पशुता को बढ़ाना उस अंध सहजता मतलब अंधविश्वास है जिससे इंसान को ऐसा लगता है कि वो सफल हो जाएगा मतलब ना किसी और को अपने आप को सफल करना है तो ऊपर जा रहे तो उसकी टांग खींचो उसको नीचे गिराओ और तुम आगे बढ़ो नहीं दौड़ते समय ना दौड़ते समय अगर तुम लोग को फर्स्ट आना तो साथ में भी दौड़ा उसको फाउल करके उसको आउट कर दो सॉरी ये ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में ऐसे अंदर सर्द का परिमाण है नाखन को बढ़ाना जिससे वो लगता है कि उसको सफल हो जाएगा थ्री इडियट्स मूवी तुमने देखी होगी उसमें वो हो है ना कि उसने बताया कि मतलब अगर सबसे फर्स्ट रैंक पर आना है तो या तो बहुत पढ़ाई करो या तो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करो तो उसमें वो क्या करता है पढ़ाई करना उसके बस की बात नहीं थी उसको डर था फिर भी कोई ज़्यादा पढ़ेगा तो मेरे आगे निकल जाएगा तो वो कहते हैं सबको डिस्ट्रैक्ट करता है मैगजीन डाल देते ना बुरे बुरे मैग, मैगजीन डाल देते सबके कमरे में राइट right? मतलब तुमको आगे बढ़ना है तो तुम्हारे साथ में जो दौड़ रहे हैं उनको कहीं और अट्रैक्ट कर दो करा दो डिस्ट्रैक्ट कर दो ओके okay? सो so, उसको जीवन में सफलता ले आना चाहते उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रता की ओर ले जाती तो ये जो पशुता है पशुता को काट देना स्वनिर्धारित स्वनिर्धारित मतलब क्या खुद ने जो निर्धार किया है ओके तो कि जो उसने सोचा है आत्मबंधन मतलब खुद के ऊपर जो बंधन रखा है उसका यह फल है जो उसके चरित्रता की और चरित्र मतलब क्या उसकी सभ्यता की ओर ले जाती है मतलब क्या कि तुम अगर सचमुच तुम्हारे अंदर सभ्यता चाहते हो तो तुम्हारी जो पशुता बढ़ रही है जो सेल्फिशनेस तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं उसको रोक देते हैं नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा चलो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दो उनका काम ही है वो हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसको काटने के बाद वापस वो बढ़ ही जाता है राइट हमारे हाइट भी तो बढ़ती है हमारे भी तो ग्रोथ होती है समझ में ना वैसे नाखून भी बढ़ेंगे तो इससे से वो बढ़ते हैं तो बढ़ने दो लेकिन उसको बढ़ने नहीं देना है एक समय आने पर जैसे चार दिन में हो क्यों ना क्योंकि वीकली क्यों ना हो संडे टू संडे एटलीस्ट हम लोग नाखून काटने ताकि नाखून काटने से हमारी पशुता जो है पशुता हमारे अंदर कम हो जाएगी और हमारे अंदर मनुष्यता रहेगी तो ये जो है नाखून नाखून क्या बताया लेखक ने पशुता का प्रमाण या फिर पशुता की निशान किस तरह से उसके बारे में लेखक ने बताया है ओके थैंक यू